हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होगा और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हम बात करने वाले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सारे लेक्चरर्स को देख लें, यानी कि ये 11th नंबर का लेक्चर है, इससे पहले 10 लेक्चर हो गए हैं। तो आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें ताकि सारी चीज़ें जो है क्रम से मिले, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा एक कीटहारी पादप है, कौन सा एक कीटहारी पादप है, और सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है, और फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है, और बीज रहित फल किससे प्राप्त किया जा सकता है। इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको ज़रूर करने चाहिए। और ये बेसिक से क्वेश्चन है, कौन सा एक कीटहारी पादप है और सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है, किस प्रकार के फल में जो है लीची को हम रख सकते हैं, और बीज रहित फल किससे प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके आंसर की बात करते हैं, तो कौन सा एक कीटहारी पादप है, तो घटपर्डी जो है एक कीटहारी पादप है। घटपर्डी एक क्या है, कीटहारी पादप है। और सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है, तो सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन जो है सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। फल का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है तो वह क्या है, वह है नट। नट फलों के प्रकार में, फलों के वह प्रकार यानी कि नट का पर एक फलों का प्रकार होता है जिसमें लीची को रखा जा सकता है। बीज रहित फल किससे प्राप्त किया जाता है, तो बीज रहित जो फल होता है वो प्राप्त किया जाता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा जो है बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। वर्तिकाग्र यानी स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा किसमें होता है, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है, और सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, परागकण क्या है। अब इन चारों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा किसमें होता है, तो ये होता है कीट परागित पुष्पों में। कीट परागित पुष्पों में जो है वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो घोंघे द्वारा जो परागण होता है वो कहलाता है मेलकोफिली जो है घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, तो सुगंधित पुष्पों में परागण जो है कीटों द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण जो है कीटों द्वारा होता है। पराग कण क्या है, तो पराग कण जो है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद है। अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद है पराग कण। पराग कण क्या है, तो ये है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। तो ये है इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कीटों द्वारा परागित फूलों के पराग को कण को कैसे होते हैं, कीटों द्वारा परागित फूलों के पराग कण कैसे होते हैं, निषेचन क्रिया क्या है, और निषेचन के बाद बीजों के बीजावरण किससे विकसित होते हैं, और द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसका मुख्य लक्षण है, अनिषेक जनन जो है क्या होता है। अब इन सभी चीज़ों इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं, तो ये होते हैं रुच और चिपचिपे। कैसे होते हैं, रुच और चिपचिपे होते हैं। निषेचन क्रिया क्या है, तो निषेचन क्रिया एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन है। निषेचन क्रिया क्या है, तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होता है। निषेचन के बाद बीजों के बीजावरण किससे विकसित होते हैं, तो निषेचन के बाद जो है बीजों के बीजावरण है वो अध्यावरणों से संबंधित विकसित होते हैं। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसका मुख्य लक्षण है, तो डबल जो फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन ये है आवृत बीजियों का जो है मुख्य लक्षण है। अनिषेक जनन क्या होता है, तो अनिषेक जनन जो है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन अनिषेक जनन कहलाता है, यानी कि कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं, ऐसे फलों को हम अनिषेक फालिक कहते हैं। जैसे बीज रहित केला, अनानास, अंगूर, पपीता, ये क्या है, अनिषेक जनन पौधे हैं, ठीक है। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है। तो ये है इस प्रश्न का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? और अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? मक्का, सोरघम, प्याज व सोयाबीन में से किसकी खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? एक सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट है, किसमें परिवर्धित होता है? अब इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी कहते हैं, यानी बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? तो अनिषेक जनन जो है अंगूर में दिखाई देता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो तना काट आमतौर पर है ये गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का यानी कि तना काटने पर जो है वो बढ़ता है, ये गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का, सोरगम, प्याज व सोयाबीन में से किसकी खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज को जो है उसी प्याज को काटकर जो है हम प्रतिरोपण यानी कि उसके दोबारा रोपण करते हैं, तो वो प्याज ही प्याज बनाता है। ठीक है, एक सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट किसमें परिवर्धित होता है? तो पुष्पासन से परिवर्धित होता है। एक सत्य फल जो है ट्रू फ्रूट किससे परिवर्धित होता है? तो ये होता है पुष्पासन से परिवर्धित हो जाता है। तो यह है इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आभासी फल का उदाहरण कौन सा है और नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग क्या होता है? और नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है? अब इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? तो आभासी फल का उदाहरण है सेब। तो ये है सेब। नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? तो नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रूप। ये होते हैं ड्रूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारकीय भाग क्या होता है? तो पके हुए आम का खाने योग्य आकारकीय भाग होता है मध्य फलभित्ति जो है पके हुए आम का खाने योग्य आकारकीय भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण पोषण जो है नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण पोष। लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो लीची का जो है खाने वाला भाग होता है एरिल। लीची के खाने वाला भाग क्या होता है? वो होता है आपका एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चावल का दाना क्या है? आलू जड़ है अथवा तना है? तरकू रूपी जड़ का एक उदाहरण दीजिए। सरकंद जड़ है अथवा तना है, इसके बारे में आपको बताना है। कोसा किस भाषा का शब्द है? अब इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर आपको जरूर करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है बायोलॉजी के। ठीक है, अब इनके आंसर आप चेक कीजिए। तो चावल का दाना क्या है? तो ये है एक बीजीय फल होता है। चावल का जो दाना है एक बीजीय फल होता है। आलू जड़ है अथवा तना है, तो आलू एक क्या है? एक प्रकार का तना है। तर्क रूपी जड़ का एक उदाहरण दीजिए। तो जो तर्क रूपी जड़ है वो है आपका मूली। जो है तर्क रूपी जड़ का एक उदाहरण हो सकता है मूली। शकरकंद जड़ है अथवा तना है, तो शकरकंद जो है एक प्रकार का जड़ होता है। शकरकंद क्या है? एक प्रकार का जड़ है। कोसा किस भाषा का शब्द है? तो कोसा जो है लैटिन भाषा का शब्द है। कोसा तो ये है इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोसा शब्द का अर्थ क्या है? केंद्र की खोज किसने की थी और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? और कोशिका की आत्महत्या थैली कौन कहलाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहते हैं? अब इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो कोसा शब्द का अर्थ है सूक्ष्म कच्छ, यानी छोटा सा कच्छ। केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम कहते हैं सेक्सिकॉल्स। पेड़ों की छत पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पेड़ों की छत पर उगने वाले लाइकेन को हम कहते हैं कोर्टिकॉल्स।
कोशिका की आत्महत्या थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो यह है इस प्रश्न का, इन प्रश्नों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें, और जो भी आपको सुझाव देना है आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप यदि अभी तक जो है इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।